नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने रविवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया और अपना शुभ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत के इस 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का गठन हुआ था। हमारे देश की आज़ादी के संस्थापकों ने इस दिन को पूर्ण स्वराज कहा है और हम लोगों को एक संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है और उनकी कड़ी मेहनत से न केवल हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है बल्कि उन्होंने हमें एक संविधान भी प्रदान किया है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के स्कूली बच्चों व अन्य द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्होंने हिमाचली नृत्य, पंजाब का गीदा, हरियाणवी गीत संगीत वे नृत्य इत्यादि प्रस्तुत किए। मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए और मुख्य न्यायाधीश ने ITBP की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे जवान को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।